सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे पीएम इंडिया, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हल्का सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको जो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है पीएम इंडिया, इसकी वेबसाइट है pmindia.gov.in, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखिए हमारा ये पेज ओपन हो गया है, ये पूरा होम पेज आ गया है। ठीक है, पीएम इंडिया, पीएम कर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें कि किस लैंग्वेज में आप अपनी रिक्वेस्ट या जो मैसेज है वो आप देना चाहते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़। तो यहाँ से आप जो आपको लैंग्वेज में सूटेबल लगा वहाँ से क्लिक कर देंगे। पेज को थोड़ा नीचे आप देख लेंगे, ये पेज आपने पूरा होम पेज देख लिया। अब आप जाएंगे गो टू मेन साइट, उस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी जो मेन साइट है वो क्लिक हो गई है। अब आप यहाँ से अपनी कोई भी शिकायत, पीएम को कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो इजीली यहाँ से दे सकते हैं। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, इंटरेक्ट विद पीएम, शेयर योर आइडियाज, इनसाइट्स एंड थॉट्स। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, कोई थॉट, आप वो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी आइडिया दे सकते हैं। और आपको कंप्लेंट लिखनी है तो लिखा है राइट टू द पीएम प्राइम मिनिस्टर, तो आप यहां से कोई भी रिक्वेस्ट या कंप्लेंट यहां से एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां क्लिक कर दिया है राइट टू पीएम, एंटर पे प्राइम मिनिस्टर पे क्लिक कर दिया है, हमारा पेज ओपन हो गया है। देखिए पेज ओपन हो गया है, ये हमारा होम पेज है, लिखा है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्म ओपन आ गया। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ कि कैसे हम रिक्वेस्ट या मैसेज हम कैसे पीएम को सेंड कर सकते हैं। तो लिखा है एंट्री प्रीफिक्स विद स्टार एंड मैंडेटरी, मतलब जितनी चीज़ों पे स्टार लगा है वो चीज़ कंपलसरी है लिखना। जैसे नाम, नेम आपका जो होगा वो आप अपना नेम डाल दिएगा। कंप्लेंट कैटेगरी आप मेल है फीमेल है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेगा। कंट्री आपकी ऑब्वियस बात है इंडिया, तो आप इंडिया पे क्लिक कर देंगे। आप अपना यहाँ एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है, लेकिन आपको इसमें पूरा एड्रेस डालना है, घर का मकान नंबर, जो भी आपका एड्रेस है, जो गली, जो भी नियर बाई आपका हो वो आप पूरा यहाँ एंटर फिल कर देंगे। उसके बाद आप पिन कोड पर आ जाएंगे, जो भी आपके ज़िले का पिन कोड हो वो आप यहाँ पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप स्टेट पर सेलेक्ट करेंगे, स्टेट पर आपने यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट है वहाँ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बाराबंकी, बलिया, बहराइच, गाज़ियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, जो भी आपका वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोन नंबर आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है डालना, मोबाइल नंबर ज़रूरी है डालना। वो मोबाइल नंबर आप डालिएगा जो आपका मोबाइल नंबर इस टाइम चलता है, रॉन्ग नंबर मत डालिएगा इसमें। फिर आप अपना यहाँ ईमेल आईडी डाल, या फिर आप अपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी आप चलाते हो वह आप ईमेल आईडी डालेंगे। क्योंकि कोई भी आपको जो रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, कुछ भी ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो आप मेल आईडी डालेंगे उस पर जाएगा। तो आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो सही है वही डालें। यहाँ अपने आप कैटेगरी डाल देंगे, कैटेगरी में आप पब्लिक ग्रेवियस में डाल देते हैं, सजेशन डाल देते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड स्कैम डाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट विद पीएम ले सकते हैं, या मैसेज टू रिक्वेस्ट। जैसे अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है तो आप सिर्फ डायरेक्ट मैसेज टू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद जो आपको बॉक्स दे रखा है सफ़ेद कलर का, इसमें आपको टाइप करना है। ठीक है, इसमें आप 4000 वर्ड टाइप कर सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा है कि स्पेशल करेक्टर लाइक्स आर नॉट अलाउड, मतलब जितने स्पेशल करेक्टर आपको दे रखे हैं ये आप बिल्कुल इसमें फिल ना करें, क्योंकि ये इसमें अटैच नहीं होंगे। और 4000 वर्ड का आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज जो भी है वह यहाँ टाइप कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, लिखा है डू यू वांट टू अपलोड पीडीएफ अटैचमेंट। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है जो आप टाइप करना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप पीडीएफ को यस करेंगे यहाँ पर। अगर है तब यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद पेज थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें लिखा चूज़ फाइल, वहाँ से चूज़ फाइल करके अटैच कर देंगे, फिर लास्ट में सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास पीडीएफ है किसी भी टाइप की तब, अदरवाइज आप कैंसिल बटन दे रखा है, कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद लिखा है करेक्टर इमेज,
तो आप जो अभी इमेज जो दे रखी है वहाँ इमेज डाल देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपका जो भी कंप्लेंट या जो भी मैसेज है वो पीएम तक पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, वो आप वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप पीएम को मैसेज सेंड कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।